राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो हेलो, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं एफोरिज्म सेकंड। सो एफोरिज्म फर्स्ट, मिशन ऑफ फिजिशियन इन डिटेल अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है और जल्दी से उसकी फुटनोट का वीडियो भी आ जाएगा या शायद आग या हो सकता है चैनल पे, आप देख लीजिएगा एक बार। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज स्टार्ट करते हैं हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। अगर एग्जाम में ये फुल क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो हमें क्या लिखना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सेकंड एफोरिज्म से समझनी है और ये प्रिंसिपल हमें क्या समझाना चाहता है, कौन सी चीज़ें हमें लाइफ टाइम इससे लर्निंग में लेनी है और याद रखनी है, ये हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो जैसे कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे देने का। तो एफोरिज्म की बात कर रही है तो एफोरिज्म की हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एफोरिज्म इज अ शॉर्टली क्लेवरली फ्रेज्ड सेइंग द एम ऑफ विच इज टू कन्वे द जनरल ट्रूथ। एफोरिज्म है वो एक शॉर्टली क्लेवरली फ्रेज्ड सेइंग है जिसका एकमात्र मकसद क्या है, हम तक जनरल ट्रूथ जो है उसको पहुँचाना। After explaining the mission of physician as to restore the sick to health to cure, मतलब जो mission है वो explain करने के बाद अब दूसरी चीज़ है, मतलब जो mission हमने समझा था वो क्या था कि mission का एक ही physician है कि जो sick है वहाँ से health तक restore करना और health से cure तक। तो हैनेमन सर ने हमें मिशन बता दिया, वो एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया फर्स्ट एफोरिज्म में। हैनेमन सर नाउ प्रोसीड टू एक्सप्लेन इन द सेकंड एफोरिज्म द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। फर्स्ट एफोरिज्म में इतनी क्योर की बातें की कि अल्टीमेट गोल है, वो हर वर्ड को यूज़ करने के पीछे का यही था कि क्योर का इम्पोर्टेंस, मतलब हमें बताया जा रहा था फर्स्ट एफोरिज्म में कि फिजिशियन शुड फोकस ऑन आर्ट ऑफ हीलिंग रेदर देन आर्ट ऑफ ड्रगिंग। और हमें हेल्थ को, अगर डिसीज कंडीशन है, सिक कंडीशन है, तो उसको रिस्टोर करना है हेल्थ में और फिर क्योर में। क्योर यानी टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स, एनिहिलेशन ऑफ टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स, यानी सारे के सारे सिम्टम्स को रिमूव करना और क्योर तक पहुंचाना। तो क्योर की डेफिनेशन और क्योर के बारे में भी इन डिटेल में हमने समझ ली। तो हैनेमन सर अब बताते हैं कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर मतलब जहाँ तक हमें पहुँचना है, मतलब हमें रास्ता पता चल गया कि या इस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो रास्ते पर अब चलते चलते कहाँ पर पहुँचना है, वो डेस्टिनेशन कैसी है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। यानी कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर में अब क्योर, मतलब हमने देखा था कि क्योर इज़ अल्टीमेट गोल, तो क्योर का हाईएस्ट आइडियल मतलब कौन सा क्योर है जो हाईएस्ट आइडियल है, बेस्ट है, जिसे हम आइडियल कह सकते हैं ऐसा। तो इसके बारे में सेकंड एफोरिज्म में हैनेमन सर ने बताया है, इफ़ रिस्टोरिंग सिक टू हेल्थ दैट इज टू क्योर इज द ओनली मिशन ऑफ द फिजिशियन, व्हाट आर द गोल टू अचीव इन द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग द सिक। अगर रिस्टोर करना है सिक कंडीशन को हेल्थ में और फिर क्योर में, यही एकमात्र मीन्स ओनली मिशन है फिजिशियन का, तो गोल क्या है अचीव करने का इस प्रोसेस को दौरान, मतलब व्हाट आर द गोल्स टू अचीव इन द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग द सिक, मतलब सिक को क्योर करते समय ऐसे कौन से गोल है जो हमें सारे क्लियर करते हुए उस गोल तक पहुंचना है। हाउ टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, हम कैसे पहचानेंगे कि वी आर एट क्योर और हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर वाली कंडीशन पे हम है। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, रिगार्डिंग द हैनेमन सर एक्सप्रेस्ड हिज आइडिया एज फॉलोज। तो इस बाबत में हैनेमन सर ने अपने आइडियाज को कुछ इस तरीके से हमें बताया। ये है सेकंड एफोरिज्म, इसको भी लाइन टू लाइन याद करना है, ये वाइवा में भी पूछा जाता है, लाइन टू लाइन पूछ सकते हैं वाइवा वाले, ये शॉर्ट नोट में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो फर्स्ट एफोरिज्म और सेकंड एफोरिज्म दोनों को लाइन टू लाइन याद रखना है। सो सेकंड एफोरिज्म में हैनेमन सर क्या कहते हैं, द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल मोस्ट हार्मलेस वे ऑन इजिली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल। यानी कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर कैसा होना चाहिए, रैपिड जल्दी से मिलने वाला होना चाहिए, जेंटल जो किसी को नुकसान ना पहुँचाए ऐसा होना चाहिए, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ यानी जहाँ से हम हेल्थ को परमानेंटली रिस्टोर कर सके ऐसा होना चाहिए, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल रिमूवल या फिर एनिहिलेशन मतलब टोटली रिमूव कर देना डिसीज को, डिसीज कंडीशन को इन इट्स वॉल एक्सटेंट, मतलब पूरा का पूरा फ्रॉम इंटरनल मैन यानी कि पूरा का पूरा वाइटल फोर्स तक सब कुछ क्लियर हो जाए, सारे सिम्टम्स डिसअपियर हो जाए, टोटलिटी को रिमूव करना वो, और
इन द शॉर्टेस्ट वे, यानी शॉर्टेस्ट वे में मोस्ट रिलायबल, यानी कि जिस पे हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सके, मोस्ट हार्मलेस वे ऑन एंड ऑन इजीली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल। तो इन हर एक चीज़ों को अच्छे से समझते हैं क्या कहना चाहती है तीन चीज़ें, मतलब बेसिकली तीन चीज़ें हैं। द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर कैन बी अंडरस्टूड अंडर थ्री हेडिंग्स। तो इस पूरे एफोरिज्म को हम थ्री डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट है द क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। सेकेंड है हेडिंग जो कि है द क्योर मीन्स रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिसीज फ्रॉम इट्स रूट, रूट्स से लेकर डिसीज को पूरा का पूरा डिस्ट्रक्ट कर देना, उसको रिमूव कर देना। द क्योर मस्ट बी बेस्ड ऑन, और थर्ड है द क्योर मस्ट बी बेस्ड ऑन मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस एंड ईजिली कॉम्प्रहेंसिबल। कॉम्प्रहेंसिबल मीन्स अंडरस्टैंडेबल लूज एंड प्रिंसिपल के साथ। सो द क्योर मस्ट बी बेस्ड ऑन मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस एंड मोस्ट ईजिली कॉम्प्रहेंसिबल मीन्स अंडरस्टैंडेबल लूज एंड प्रिंसिपल्स। ये सारी चीज़ें हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, ये तीन हेडिंग्स को। पूरा एफोरिज्म समझ लिया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं एफोरिज्म को, एक दो बार मेरे साथ बोलो। ये वीडियो लेक्चर नहीं है, ऐसा समझ कर मैं आपके आमने सामने बैठी हूँ और आप मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं, और फिर वीडियो को पोज कर अपने आप से बोलो, एक दो बार लिख लो एफोरिज्म, लाइन टू लाइन याद हो जाएगा। एक साथ पूरा याद मत करना, कट कट करके करना। देखो, द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज, फर्स्ट लाइन, द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। कैसा होना चाहिए द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर? द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनिहिलेशन, इसको पूरा एक साथ, रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिसीज इन इट्स वॉल एक्सटेंट। पूरे के पूरे डिसीज को एक साथ खत्म करना, रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिसीज इन इट्स वॉल एक्सटेंट। कैसे? इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट हार्मलेस मोस्ट सॉरी इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल मोस्ट हार्मलेस वे ऑन इजीली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल। एक बार फिर से, द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और रिमूवल एंड एनहेलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स वॉल एक्सटेंट। इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल मोस्ट हार्मलेस वे ऑन इजिली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब इन तीन पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो से इन डिटेल में एलाबरेट करना स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल के वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कॉमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।